खुदा की फातिमा बहन सबा के लिए और खुदा के कलाम के लिए, उसके जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा उनका शुक्र हो कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ एक लंबे अरसे के बाद, और सारे सीनियर्स भी हैं तो इनकी इजाजत से आई वुड लाइक टू स्टार्ट। 2019-2018 और 2017 का आधा साल आप लोगों ने मुझे मई में 2017 में बुलाया था, और उसके बाद इस तोड़े को ब्रेक लग गई जो मेरे पास है था और रहेगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। सो पिछले चंद दिनों, बल्कि चंद महीनों से मैं काफ़ी स्पिरिचुअल क्राइसिस का शिकार थी, और ये जो लास्ट टू डेज थे सैटरडे और संडे, इसमें तो समझे मैं अपने आप को बिल्कुल ख़त्म समझ रही थी, और मैं खुदावन से बहुत गिले शिकवे कर रही थी, और मैं बहुत खुदा से नाराज़ थी कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर। मैंने इतनी एफर्ट से बाइबल स्कूल किया, और मैं सबका शुरू से शौक होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, कुछ ना कुछ बनने का शौक है। मेरा शुरू से प्रीचर बनने का शौक है, तो जितनी स्टडी की वो भी बाइबल स्कूल जाने के लिए की, बाइबल स्कूल के लिए की, मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। तो बाइबल स्कूल करने के बाद जब बिल्कुल मेरे इस वाले दौरे को, कलाम की खिदमत के दौरे को जब ब्रेक लग गई, तो पिछले दिनों मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे जंग लग गया, मेरे इस तोड़े को जंग लग गया, और मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बड़ी मुश्किल की बात नहीं कर रही। तो सैटरडे संडे मैंने बहुत सफ़र किया, बहुत दुख उठाया, बहुत रोई भी, दुआ भी की, और फिर मंडे से मैं फास्टिंग में थी, और मैंने कहा खुदावन तो मुझे बहाल कर, क्यों मेरे पास ये खिदमत है तो क्यों यूज़ नहीं हो रही हैं, मैं क्यों इसको इससे पीछे हट रही हूँ, या मैं क्यों इसको इस्तेमाल नहीं कर रही। तो सैटरडे संडे मैं बहुत रोई, मैंने दुआ भी की, मंडे को मैं फास्टिंग में थी, और मंडे की सुबह को मुझे फ़ोन आया डैडी का, जब मैं अपने ऑफिस में थी, कहते तुम्हें कलाम सुनाया यार ये क्या मजाक है, मैं तो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा डैडी को इनकार किया कि नहीं मैं नहीं कर सकती। डैडी कहते नहीं, वो मैसेज भी मैं तेन दसना, जो टॉपिक है वो भी, वो जो तुमने एक दफ़ा पहले सुना है। इससे पहले लारिस मुझे कई दफ़ा कहते हैं चर्च में कि आप कलाम सुनाएं, कलाम सुनाएं, मैं कहती मेरे पास है ही नहीं है, मैं नहीं सुनाना चाहूँगी। तो मंडे को ये उजर भी मेरा जाता रहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वो टॉपिक भी डैडी मुझे बताया जो गुज़िश्ता सालों में मैंने एक दफ़ा सुनाया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं वो जो नोट्स हैं मेरे, मैं लारिस को दे देती हूँ, आप लारिस को बोलिएगा कि वो सुना दे। डैडी कहते नहीं, सुनाना भी वही मैसेज है और सुनाना भी तो नहीं है। सो वो मेरे रीस्टोरिंग कर दिया था, और 2020 में खुदा ने मुझे रीस्टोर किया है, और खुदा आज आपको भी रीस्टोर करेगा। आमीन। सो आज मैं कमज़ोरी की हालत में आप लोगों के सामने हूँ, सो खुदावंद मेरा जोर है और हम सबों का जोर है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आमीन। हालेलुया। सो आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं और किताब मुकद्दस को खोलते हैं। यीशु मसीह की अंजील जो कि मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 9वां बाब और उसकी 17वीं आयत हम अपनी इस इलाके में पढ़ेंगे।
मत्ती की मार्फत लिखी गई ये सुमसी की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरती, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। सो आज मेरा टॉपिक है नई मैं। हम एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं, हो चुके हैं, और इस नए साल में खुदा हमें नई मैं नई बरकत देना चाहता है। क्या आप नए साल में नया होना चाहते हैं? क्या अपनी रूटीन की लाइफ जो पिछले सालों में गुजरी है उसी तरह गुजारना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं? तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। नई मैं नई मश्क, पुरानी मैं पुरानी मश्क, इन सब के बारे में हम सीखेंगे कि ये क्या है। सो नई मश्क दर हकीकत अंगूर का ताजा रस है, जिसको हम मैं बोलते हैं। अंगूर का जो ताजा रस है उसको नई मैं कहा जाता है। लेकिन अगर हम पुराने अहदनामा को देखें तो मैं जो है वो बहुतात का या बरकत का निशान है। मैं बहुतात का या बरकत का निशान है। पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं यकूब जब इसहाक को बरकत देता है तो कहता है खुदा तुझे बहुत सा अनाज और मैं बख्शे, ये उसके लिए बरकत है। और योएल के सहीफे में लिखा है तुम्हारे होश नई मैं से भर जाएंगे जब खुदा तुम पर मेहरबान होगा। और आमोस की किताब में लिखा है कि खुदा पहाड़ों से नई मैं जो है वो बरसाएगा, पहाड़ों से नई मैं टपकेगी। सो मैं जो है वो बरकत का निशान है, और नई मैं जब टपकेगी तो वो नई मशकों में ही भरी जाएगी। जो नई मैं है वो नई मशकों में भरी जाती है। सो नई मश्क क्या है? नई मश्क वो एक ऐसा बर्तन है जो हर तरह के खमीर के अज्जा से पाक होता है, जिसमें किसी तरह का किसी भी तरह का खमीर नहीं होता, उसको नई मश्क कहा जाता है, नया मश्कीजा कहा जाता है। सो आज जो मश्कीजा है वो हमारा मन है, हमारा बातन है, हमारी नई इंसानियत है, मसीह में नई जिंदगी है, तब्दील शुदा जिंदगी है। और मसीह जैसी जिंदगी या मसीह जैसी फितरत जो है वो नई मश्क या नया मश्कीजा है जो हमारी जिंदगी है। सो नई जिंदगी हमें कब मिलती है, ये मेरा आपसे सवाल है। नई जिंदगी हमें कब मिलती है? जब मसीह को कबूल करते हैं, और जब हम अपने गुनाहों को तर्क करते हैं। बस बोलो, किसी को नई जिंदगी का तजुर्बा नहीं है? किसी को भी नहीं है? कोई हाथ भी नहीं उठा रहा। नई जिंदगी का तजुर्बा किस किस को है? दो तीन लोगों को ही है। अच्छा ठीक है। नई जिंदगी हमें तब मिलती है जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपने गुनाहों से फिरते हैं और मसीह की पैरवी में चलना शुरू कर देते हैं। जब हम अपनी टेढ़ी राहों से फिरते हैं, खुदा के रास्ते पर चलते हैं, तो तब हमें नई जिंदगी मिलती है। और मसीह को कबूल करना जो है वो नई जिंदगी है, वो मसीह की फितरत है। जब हम मसीह को कबूल करते हैं मतलब हम यीशु मसीह की फितरत को, यीशु मसीह की जिंदगी को, यीशु मसीह की अकल को अपने अंदर ले लेते हैं, और हमारी अकल हमारी फितरत जो हमारी पुरानी जिंदगी है उसको हम तर्क करते हैं और मसीह की मानिंद बनने की कोशिश करते हैं, ये मसीह की मानिंद बनते चले जाते हैं। सो मसीह में जब हम आ जाते हैं तब हम नई मश्क नई मखलूक बन जाते हैं, क्योंकि लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया नया मखलूक है और पुरानी चीजें जाती नहीं और देखो सब नई हो गई। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, अगर कोई मसीह में है तो वो नई मश्क है। तो अगर आप मसीह में हैं और नई मश्क
دکھ رک ہے تو نہیں میں آپ کے لیے دستیاب ہے, صرف آپ کو لینے کی ضرورت ہے. لیکن نیا بننے کے لیے پرانی چیزوں کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا ہوتا ہے یا نکالنا پڑتا ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں. پرانا کیا ہے؟ پرانی انسانیت, پرانی فطرت, پرانے تمام گھنونے کام اور پرانی انسانیت کے سارے کام, پرانی عادتیں, یہ سب جو ہیں بدل جاتی ہیں. جب واقع میں ہی یہ نہیں ہو جاتی ہیں تو پھر خدا ہمیں نئی برکت, نئی میں اور نیا مسا دیتا ہے. آپ میں سے چند ایک نے ہی ہاتھ کھڑا کیا کہ انہیں نئی زندگی کا تجربہ ہے یا انہیں وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. سو جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, کیا وہ واقع میں ہی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا واقع میں ہی انہوں نے پرانی انسانیت کو اتارا ہے یا حالے بھی کوئی ڈنڈی ڈنڈی کوئی ڈنڈی مار جنہوں نے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا, وہ بچن چڑھا گئے ہیں کہ چلو اسی تھے ہاتھ ہی نہیں کھڑا کیتا, اسی ڈنڈی مارنے میں اس مکمل طور پہ ہاں. سو خدا صرف بلیور سے ہی نہیں بول رہا بلکہ تمام ہم سب سے بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, اگر وہ نئی برکت میں, سال میں نئی برکت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں خود کو نیا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, ہم نئی انسانیت میں فلو کر رہے ہیں, تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا واقع میں ہی ان کی تمام چیزیں بدل چکی ہیں یا ابھی کچھ باقی ہیں. سو خدا ہمیں نیا مخلوق بنانا چاہتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم نیا مخلوق بننے کے بجائے عجیب و غریب مخلوق ہی بن جاتے ہیں. ہمارے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. کہنے کے لیے ہم کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر جو ہمارے کام ہوتے ہیں پرسنل وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب ہی مخلوق ہے. ایسی مخلوق خدا نہیں چاہتا. یہ نہیں نہیں یہ عجیب مخلوق ہے. میں میرے تجربے میں ایک شخص ہے جو خود کو بلیور کہتا ہے, پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہ ایک نان بلیور کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس کو خدا کے بارے میں بتا رہا ہے اور اپنی جو ایک ایماندار کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں اس کو بتا رہا تھا کہ ہم جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی مانند بن جاتے ہیں, ہم یسوع مسیح کے برابر ہو جاتے ہیں, ہم مسیح جیسے ہو جاتے ہیں, ہم مسیح کے ہم میراث ہیں, مطلب ہم مسیح کے برابر آ جاتے ہیں, مسیح جیسے ہو جاتے ہیں. تو وہ اس شخص کو کہتا ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہو کہ ہم جب مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم مسیح جیسے ہو جاتے ہیں, کہ آپ مسیح جیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں, میں نہیں اس گھر میں مان سکتا, کیونکہ وہ نان بلیور ہے نا, اس کو کلام کے بارے میں, مسیح کے بارے میں نہیں پتا. اور وہی شخص جو اس کو یہ سب کچھ بتا رہا تھا, چند دنوں کے بعد جو اپنے آپ کو بلیور کہہ رہا ہے اور مسیح کے برابر خود کو بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ میں مسیح کی زندگی, مجھ میں مسیح کی عقل ہے, مجھ میں مسیح کے ایٹریبیوٹس ہیں, چند دن کے بعد اس کی ایک فیمیل کے ساتھ تھوڑی چکلش ہو گئی اور اس نے اس کو وہ بات بولی جو اس کو کہنے روا نہیں تھا, اس نے اس کو اس کی اوقات تک یاد کرا دی. سو ایسا بلیور کیا وہ واقع میں ہی نئی انسانیت کو پہن چکا ہے؟ کیا وہ واقع میں ہی مسیح کو قبول کر چکا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو کر رہا ہے وہ پھر بالکل ہی الگ ہے. سو وہ نومینل بلیور ہے. پہلے نومینل کرسچن آتے تھے, اب تھوڑا ایڈوانس ہو کے نومینل بلیور آ گیا, تھپا لایا بلیور, ہاں جی بپتسمہ لے لیا, توبہ کر لیے, ہون اسی جو مرضی کر لیے. نہیں, خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کو پہن لیں, مکمل طور پر نئے بن جائیں, نئی مخلوق بن جائیں, تاکہ وہ ہماری زندگی میں سے کام کر سکے اور ہمیں نئی برکت دے سکے. سو کلسیوں کے خط میں لکھا ہے جو مسیح میں ہیں انہوں نے نئی انسانیت کو پہن لیا اور پرانی انسانیت کے کاموں کو
उतार डाला। जो मसीह में है उन्होंने नई इंसानियत को पहन लिया और पुरानी इंसानियत के कामों को उतार डाला। अभी पुरानी इंसानियत क्या है? पुरानी इंसानियत में क्या है जी? गुनाह है। और अगर हम इसको थोड़ा सा आसान करें, डिफाइन करें, तो कौन कौन सा गुनाह है? पुरानी इंसानियत के काम कौन कौन से हैं? लड़ाई, दुनियावी ख्वाहिशें, झूठ, हाँ, इस तरह की सब बातें जो हैं वो पुरानी इंसानियत के काम हैं। सो क्या आप मसीह में हैं? अगर नहीं है तो आज मसीह को अपनी जिंदगी दे दें, क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दी है ताकि वो हमारी नाराजगी को अपने ऊपर लेकर अपनी रास्तबाजी के लिबास से हमें मुलब्बस करे। सो आए वो लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जो अभी तक यीशु मसीह में नहीं है, वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दें। और अगर आप यीशु मसीह में हैं, मुझे पता है ये बहुत से लोग यहाँ पर जो बिलीवर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम बिलीवर नहीं हैं, सो उनके लिए और मेरे लिए भी, कि अगर मैं मसीह में हूँ तो क्या मैंने पुरानी इंसानियत के कामों को अपने ऊपर से उतारा है? अगर मैं मसीह में हूँ तो क्या मैंने पुरानी इंसानियत के कामों को अपने ऊपर से उतारा है? क्या मेरी जिंदगी तब्दील हुई है या अभी तक मेरे वही काम है? क्या अभी तक मेरी फितरत वही है, पुरानी लड़ाई, झगड़ा, हसद, घमंड, तकब्बुर और हर तरह के बुरे काम मेरी जिंदगी में है? तो मैंने यीशु मसीह को वाकई में ही कबूल नहीं किया, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैंने तौबा भी की, बपतिस्मा भी लिया और चर्च भी आता हूँ, गीत भी गाता हूँ, प्रस्तुति भी करता हूँ, पादरी साहब को हदिया भी देता हूँ, दायके भी देता हूँ, ये सब जो है ये सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन फर्स्ट जो हमें देखने की जरूरत है कि यीशु मेरी जिंदगी में नजर आता है क्या? दूसरे लोगों को मेरी जिंदगी में से मसीह नजर आता है जिसको मैंने कबूल किया है? अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं नई मखलूक हूँ, और अगर मैं मसीह में नहीं हूँ तो मुझे अपनी पुरानी इंसानियत के कामों को उतारना है ताकि मैं उसमें नई मखलूक बन जाऊं और वो मुझ में अपनी नई महकू है। सो अगर हमने पुरानी इंसानियत के कामों को नहीं उतारा तो प्लीज बराए मेहरबानी यीशु मसीह को और उसके रूह को अपनी जिंदगी में मौका दीजिए कि वो आपकी जिंदगी में काम करे, क्योंकि वो ही है, यीशु मसीह ही है, पाक रूह ही है जो हमारी तारीकी को नूर में बदल सकता है। आमीन। लेकिन नूर में तभी हमारी तारीकी तब्दील होगी जब हम उसको मौका देंगे, और वही है जो हमारे गम को खुशी में तब्दील करता है, कमजोरी को जोर में, नाउमीदी को नूर में वही बदल सकता है। आमीन। और वही है जो हमको जमीनी से आसमानी बनाता है, और वही मगरूर को आजिस, बद इखलाक को खुश इखलाक, हरामकार को नेककार, नशेबाज को परहेजगार वो बना देता है, काहिन को चुस्त बना देता है। वही है जो बुतपरस्त को खुदा परस्त बनाता है। वही है जो डिक्टेटर को कादम बनाने की कुदरत रखता है। वही खुदा है जब हम उसके पास आ जाते हैं तो हमारी सारी नफसानी ख्वाहिशों को दूर करके हमें रूहानी बनाने की कुदरत रखता है। वही हमारे शक को एतमाद में तब्दील कर देता, वो हमारी नाइंतफाकियों को यकानगी में बदल देता है। आए ऐसे खुदा के हजूर में आए ताकि वो आपकी और मेरी बेयकीनी को ईमान में, और वही है जो अमल को आखिर और आखिर को अमल बनाता है, और वही है जो हमारे झूठ को सच में तब्दील कर देता और हमारी नफरत को वही मोहब्बत में बदल देता है। हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से लबरेज है कि वो हमारी तमाम दर शख्सियत को बदल के रख देता है और हमें तब्दील कर देता और अपने में एक नई मखलूक हमें बनाता है और अपने एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर रखता है। मसीह की सिफतें हमारे अंदर आ जाती हैं और हम मसीह की बालिग बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया खुदा उनका शुक्र हो कि वो हमें बदलने की कुदरत रखता है वो हमारी इन सब बातों को जो हमारी जिंदगी में है उनको तब्दील करने की कुदरत रखना रखता है और अगर हम तैयार हैं बदलने के लिए अगर हम तैयार हैं बदलने के लिए तो वो हमें हर वक्त मुयस्सर है और हिस्कील में लिखा है कि अपने तमाम गुनाहों को दूर करो अपने लिए नई रूह और नया दिल पैदा करो अपने तमाम गुनाहों को तर्क करो और अपने लिए नई रूह और नया दिल पैदा करो नई रूह नया दिल गुनाहों को तर्क करने के बाद पैदा होगा और अगर नहीं हो रहा तो हिस्कील के ही सही पे में खुदा कहता है कि मैं तुमको नया दिल दूंगा मैं खुद तुमको नया दिल दूंगा सो हमें इसके लिए तैयार होने की जरूरत है कि खुदा हमें नया दिल दे और नए दिल जब हमारा होगा जब हमारी नई शख्सियत हो जाएगी तभी खुदा हमारे अंदर नई मैं भरेगा तब वो हमारे अंदर नई मैं को भरेगा जब फलस्तीन में मैं मशकों में भरी जाती थी तो वो मशकें जो है जब उनमें मैं नई मैं भरी जाती थी तो वो मशकें सख्त हो जाती थी भद्दी हो जाती थी और जगह जगह उनके बबल्स बन जाते फूल जाती थी और उस जगह से वो कमजोर हो जाती थी तो ऐसी मशकों में वो दोबारा नई मैं नहीं भरते थे क्योंकि वो भद्दी हो गई है कमजोर हो गई है सख्त हो गई है क्यों नहीं भरते थे क्योंकि जब नई मैं नई मशकों में भरी जाती थी ना तो मैं कुछ अरसे के बाद उस मश्क में फैलना शुरू करती थी और मैं के साथ साथ वो मश्क भी फैलती थी और मैं भरती चली जाती सो जब मश्क फैल जाती थी तो उसमें जगह जगह बबल्स बन जाते थे और वो फिर पहले से सख्त हो जाती थी और भद्दी हो जाती थी और जगह जगह से फूल जाती थी सो ऐसी मश्क में अगर वो दोबारा से नहीं मैं भरते तो वो मश्क फट जाती थी क्योंकि अभी उसमें फैलने की जितना उसने फैलना था वो फैल चुकी है अब मजीद वो फैल नहीं सकती है और जगह जगह पे जब उसके बबल्स बन गए हैं तो वो उस जगह से कमजोर हो गई है तो उसके फटने का चांस जो है वो ज्यादा है क्योंकि नहीं मैं तो फैलेगी ना तो जब वो फैलेगी तो उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो मश्क को फाड़ देगी सो अगर नहीं मैं पुरानी मश्कों में भर देते थे तो मैं और मश्क दोनों की बर्बादी दोनों का नुकसान हो जाता सो अगर हमारी जिंदगी नई नहीं है अगर हमारी जिंदगी में जगह जगह बबल्स हैं हमारी जिंदगी भद्दी है बिगड़ी हुई है बेतरतीब है तो खुदा भी हमारी जिंदगी में नया मसा नया जोर नया तेल नहीं देगा नहीं मैं हमें नहीं देगा सो जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें अगर हमारी जिंदगी में शेपी है अगर हमारी जिंदगी में बड़ेपन का कोई बबल है अगर हमारी जिंदगी में घमंड है गुरूर है गुस्सा है तो हमें उस बबल को खत्म करने की जरूरत है खुद को नया बनाने की जरूरत है अगर हमारी जिंदगी में हसद का बबल है झूठ का बबल है लड़ाई है बदखलाकी है हरामकारी है नशाबाजी है कोई काहली है सुस्ती है या बुतपरस्ती है कोई शक है ना इत्तफाकी या नफरत है किसी के लिए हमारे दिल में कदूरत है तो हमें उस बबल को रिमूव करने की जरूरत है हमें उस बदकारी के बबल को भी अपनी जिंदगी से हटाने की जरूरत है शहवत परस्ती को अपनी जिंदगी से हटाने की जरूरत है ताकि खुदा हमारी जिंदगी में नई मैं भरे सो जब एक मश्क में ये सारे बबल्स हो इतने ढेर सारे जगह जगह बबल्स हों तो कोई इंसान जो है उस मश्क में नई मैं नहीं भरता इंसान जिसमें खुदा की अकल है वो पुरानी मश्क में नई मैं नहीं भरता तो खुदा तो हमसे ज्यादा हिकमत वाला है ना तो वो अगर हमारी जिंदगी में ये सारे बबल्स हैं अगर ये सारी बेतरतीबी हमारी जिंदगी में है तो वो नई मैं हमें कैसे देगा क्या देगा 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 बिल्कुल भी नहीं देगा सो हमें चाहिए कि हम अपने आप को नया करें और अगर
पुरानी मशकों में इन केस के पुरानी मशकों में आपको नहीं मैं भरनी होती थी तो वो लोग फिर मशकों को बहुत अच्छे से तेल लगाते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे तेल में नहला देते थे तो वो नरम हो जाती थी और अपनी जगह से फिर वो बराबर होना शुरू हो जाती थी, तो उसके बाद फिर वो उसमें नई मैं भरते थे। तो अगर ये सारे बबल्स हमारी जिंदगी में हैं तो आज हमें रूहानी तेल की जरूरत है जो कि पाक रूह है। सो हमें पाक रूह की मदद को मांगना चाहिए और पाक रूह को अपनी जिंदगी पर लेना चाहिए ताकि वो हमारे ये सारे नकम्मेपन को जहाँ जहाँ से हम भटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, उन सबको जो है वो खत्म करे और हमें नई कुवत, नया जोर, नया मसा, नई बरकत, नया कलाम, नए मौत से दे, नए तजुर्बे दे और हमारी जिंदगी को वो अक्सर तब्दील कर दे। क्या आप चाहते हैं आज कि खुदा आपको नया जोर, नया मसा, नई कुवत दे? कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और बड़ी आजी के साथ, इंकसारी के साथ खुदा से कहिए कि खुदा तू मुझे नए जोर में आगे बढ़ने का फजल दे और मेरी पुरानी इंसानियत के कामों को खुदावन खुदा तू दूर कर और मेरी जिंदगी में तू तरतीब को ले जा। वो सब कुछ को नया कर देता है, वो सब कुछ को नया करने की कुदरत रखता है